गाइस फाइनली आज हम बात करने वाले हैं एक नए और डिफरेंट हेयर स्टाइल के ऊपर। और ये वाला जो हेयर स्टाइल है वो आजकल रील पे काफी ट्रेंड पे चल रहा है। रील पे जो बहुत सारे जो बंदे हैं ना वो रील बना बना के इसको अपलोड कर रहे हैं। और बेसिकली मैंने यूट्यूब पे तो उसको इतना नोटिस नहीं किया, बट ये रील पे बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। और बेसिकली रील्स पे बहुत सारे हेयर स्टाइल ट्रेंड पे चल रहे हैं और आप रोज रोज देखते भी रहते होगे। अगर आप कोई भी हेयर स्टाइल देखते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ना इंस्टाग्राम पे उसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर सेंड करना और बोलना कि इस हेयर स्टाइल के ऊपर मेरे को वीडियो चाहिए। और भाई मतलब मैं रिप्लाई तो नहीं दे पाता, बट मैं मैसेज जरूर सीन कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज वगैरह आते हैं। तो अगर आप उसमें मैसेज करते हो तो मैं उसको जो वीडियो है वो जरूर बनाऊंगा। तो अभी हम जो हेयर स्टाइल ट्राई करने वाले हैं वो जो हेयर स्टाइल है वो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर जो आप फोटो है वो देख सकते हो और इस टाइप का जो हेयर स्टाइल है वो हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं और थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हम ट्राई करेंगे। और बेसिकली इस चीज़ के लिए ना जो मेरे फेस पर यार जो हेयर स्टाइल है बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा क्योंकि जो मेरे हेयर है वो काफी लॉन्ग है, मतलब मेरे जो हेयर है वो यहाँ तक आते हैं और मेरे फेस के ऊपर ये जो हेयर स्टाइल है वो नहीं बन पाएगा। तो इस हेयर स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पर रखा है इस बंदे को और बेसिकली इसको आप जानते ही होंगे, ये है मेरा चोचू भाई। मतलब इसके ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ मैं। और बेसिकली ये भी फैशन यूट्यूबर है, इसका भी चैनल है फैशन फैब। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो तो आपको चैनल मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब कर लेना। मेरी तरह जो वीडियो ना वो आती है और थोड़ी सी मतलब अच्छी लगेगी आपको, तो चेकआउट जरूर करना। तो बेसिकली इसका हम हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं और जो मैंने आपको पिक दिखाई है ना वैसे हम इसका हेयर स्टाइल करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में काफी मजा आएगा और कुछ नया सीखने मिलेगा। तो बाय द वे इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज साहिल एंड आई एम हियर टू टीच अबाउट मैन फैशन ग्रूमिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हो, मेरे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो हम बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कर लेते हैं स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमको क्या करना है कि यार इसके जो हेयर है ना इसमें अच्छा सा जो हेयर कट है वो आपको देना है, ताकि यार जो मतलब इसका जो हेयर है ना वो बाद में जो हम हेयर स्टाइल कर लेते हैं तो उसके बाद जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन लगे और वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो इसके हेयर बिल्कुल भी सही नहीं थे, तो अभी हम इसके हेयर को कट देंगे अच्छी तरह से सैलून पे जाके। तो यहाँ पर मैं इसके जो हेयर है पहले से कटिंग करवा चुका हूँ और इसको मतलब साइड से फेड करवा के और पीछे से भी फेड करवा चुका हूँ और ऊपर के बड़े हैं, तो मतलब जिसकी वजह से जो हमारा हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी नीट लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका हेयर कट है वो हम करवा लेंगे। अब यहाँ पर जो इसका हेयर कट है ना वो हो चुका है, अब यहाँ पर जो इसके हेयर है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर की बात करें हेयर स्टाइल की तो हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बेसिकली हेयर स्टाइल बनाने के लिए ही मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो हमारे को फर्स्ट चीज़ की जरूरत है वो है हेयर हीट प्रोटेक्टर। अब यार हमको ना हीट प्रोटेक्टर लगाना काफ़ी जरूरी है क्योंकि यार इसके भी जो हेयर है ना वो काफ़ी वेवी है मेरी तरह। और सबसे पहले हमको ऐसे हेयर स्टाइल बनाने से पहले ना हमको हीट प्रोटेक्टर लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको अपने हेयर में स्ट्रेटनिंग लगानी पड़ेगी और हेयर को स्ट्रेट करना पड़ेगा ताकि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो अच्छी तरह से बन पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करूंगा हीट प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर जो हीट प्रोटेक्टर है वो अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमको सेकंड चीज की जरूरत है वो है हेयर स्ट्रेटनर। अब यार हेयर स्ट्रेट करना काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो हेयर है ना वो स्ट्रेट रहना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको जो हेयर स्टाइल है वो प्रॉपर हो पाएगा। और बेसिकली अगर आप कोई भी हेयर स्टाइल करते हो कर्ली को छोड़ के तो उसके लिए आपको जो हेयर है ना वो स्ट्रेट होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर जिसके हेयर है वो सारे स्ट्रेट कर लूँगा। और यार बेसिकली आपको ध्यान रहे कि आपको ना बिना हीट प्रोटेक्टर लगाए जो आपको हेयर स्ट्रेट है वो बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपको जो हेयर है वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो इसके हेयर है ना वो स्ट्रेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करूँगा हेयर वैक्स। अब यार वैसे तो हेयर स्ट्रेट करने के बाद जो वॉल्यूम है ना वो अपने आप ही काफ़ी अच्छा आ चुका है, बट एक जगह पे इसको लॉक करने के लिए और एक जगह पे अच्छा होल्ड देने के लिए जो हेयर वैक्स है ना वो मैं यूज़ करूँगा। तो हेयर वैक्स आपके पास कोई भी हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बस तो आपको लॉक करना उसको होता है। और बेसिकली जो मेरा फेवरेट हेयर वैक्स है वो सेटवेट का है और बेसिकली ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर आप इसको बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। सेटवेट का क्ले हेयर वैक्स मैं यूज़ करता हूँ, इसकी खास बात यह है कि यार ये मैट लुक आपको देता है और इसका जो होल्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा हेयर वैक्स इसके हेयर में ताकि इसके हेयर में मतलब लॉक हो जाए इस जगह पे और सेट हो जाए और उसमें होल्ड भी काफ़ी अच्छा रहे। यहाँ पर जो हेयर वैक्स अप्लाई कर चुके हैं और यहाँ पर आप इसको जो अच्छे से हेयर है वो काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड हो चुके हैं, अब मतलब जो प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग है वो बन चुकी है। अब यहाँ पर बाकी क्या है कि यार आप अपना हेयर को ना टेक्सचर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस वीडियो का मेन पॉइंट है। तो अब यहाँ पर आपको ना इस हेयर को टेक्सचर देने हैं। अब यार इसके लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट है वाइट टूथ कॉम्ब। अब यार ये यार जो हेयर कॉम्ब है ना मैंने अमेजोन से बाय किया, अगर आपको बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और बेसिकली जितने प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। और इस कॉम्ब के थ्रू हम हेयर स्टाइल करने वाले हैं। और सेकंड चीज़ जो हमको जरूरत है वो है हेयर स्प्रे। अब जस्ट यहाँ पर आपको क्या करेंगे, आपने जितने भी हेयर स्टाइल है वो कर लिए, अब हेयर को टेक्सचर देने के लिए आपको क्या करना है कि ये वाला जो कॉम्ब है ना उससे आपको लगाना है और उसको लगाते ही आपके जो हेयर है ना पूरे मतलब पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब पार्ट में डिवाइड होने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, जो हेयर स्प्रे ना वो आपको लगाना है यहाँ पे, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे आपको करना है।
तो फाइनली गाइस यहाँ पर आज दोस्तों जो हमारे हेयर में टेक्सचर भी है ना वो भी काफी अच्छा आ चुका है, और अब जाके हमारा जो प्रॉपर हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप मुझे कमेंट करके बता देना भाई कैसी लग रही है कैसी नहीं, बट आई नो कि अभी जो बंदा है ना वो मतलब काफी सही है मतलब लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। अब नहीं यार लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करें, हम वो फोड़ दूंगा गाड़ी को। हाँ बेसिकली अब जो इसके हेयर स्टाइल है वो काफी अच्छे लग रहे हैं और ये फुल रॉक कर सकता है अपने फ्रेंड के सामने, गर्लफ्रेंड के सामने और जो भी बातचीत है, तो अब काफी सही लग रहा है। और ऐसे जो अपने हेयर स्टाइल है वो आप बना सकते हो। अगर आपको भी अपने हेयर स्टाइल ऐसे करने हैं तो बेसिकली आपके हेयर की लेंथ जो है ना वो शॉर्ट होनी चाहिए इसकी जितनी, कि यहाँ पर जो अभी प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग है वो इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको करना है तो सेम ये जो प्रोसेस मैंने आपको किया है वैसे ही आपको करना है, और ये सब जो जितने प्रोडक्ट मैंने आपको बताया ना वो सारे आपके पास प्रोडक्ट जो है ना वो होने चाहिए, तभी जाके आप ज्यादा जो हेयर स्टाइल है वो अचीव कर पाओगे। और बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट की लिंक है मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इसको बाय कर सकते हो। और अब आई थिंक जो मेरी मेहनत है ना कुछ टाइम की वो काफ़ी सफल हो पाई है, और अब जिसके जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और थोड़ी मोड़ी जो इसकी फोटोशूट है मैं कर दूंगा इसका भला हो जाएगा थोड़ा, और क्या चाहिए। तो बेसिकली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना, और अगर आपको किसी भी हेयर स्टाइल पर वीडियो चाहिए तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करके बता देना, मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा। और यार इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो भी कर लेना, मैं कई सारी फोटोज जाकर लाइक कमेंट कर सकते हो। तो बस हम लेंगे दूसरी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।